सर कैसे हो? हम बढ़िया है, मज़े में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागेश है। डर लगता है मेरा गुराजी रंजे से। हमने आज तक उन्हें देखा नहीं है, मतलब टीवी पर, बट सुना बहुत है उनके बारे में कि बहुत खतरनाक है, खूंखार है। देखते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होगा। बेस्ट ऑफ लक, मज़े करके आए। हेलो, हाय, आपको मैं नागेश कहूँ या सूरज कहूँ? सूरज। बैठिए। ऐसे दो नाम क्यों हैं तुम्हारे? सूरज नाम इसलिए क्योंकि हमारी माँ हमें इस नाम से पुकारती थी और ये नाम उनका दिया हुआ है। बस डॉक्यूमेंट्स में हमारा नाम नागेश है तो उसी वजह से बाय डिफॉल्ट नागेश है, लेकिन सूरज नाम से ही हमें ज़्यादातर लोग बुलाते हैं गांव की तरफ। पुणे से हैं आप? नहीं, जालना एक गांव डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 6 तालुके हैं, उसमें से एक तालुके में 240 गांव है, उसमें से एक गांव है हमारा बोनलापुरी, वहाँ के हैं हम। आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या लिखा आपने यहाँ पर? सर खेतों में हम काम करते थे, बस वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, जब कॉलेज में गए तो उस समय हम रिक्शा चलाना चालू किए। फिर एक बार रिक्शा का एक्सीडेंट, साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। और उसके बाद रिक्शा का एक्सीडेंट होने पर वो कुछ काम की नहीं रही तो वो बेचना पड़ा हमें। उसके बाद हम साइकिल स्टैंड होता है जो रेलवे स्टेशन के पास, लोग अप डाउन करते हैं, उनका गाड़ी पार्क करते हैं, तो वहाँ पे हमने गार्ड का काम किया, 10 महीने किया, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब ने पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम उनके साथ हो लिए, क्योंकि जानवरों से ऐसे भी हमें बहुत प्यार था। हमारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि हम बचपन से हमारी माँ के साथ ही रहते थे। हम पैदा भी हुए तो वक्त से पहले ही पैदा हुए थे तो हम कमज़ोर रहते थे हमेशा, वज़न हमेशा 40 के ऊपर कभी गया नहीं था हम लोगों का। अभी पिछले साल हम पिछले साल हमारे माँ का देहांत हो गया किसी कारणवश, तो हमारे पिताजी इसके लिए जिम्मेदार थे, हम उन्हें और हम झगड़ा करके घर छोड़ के भाग गए। पिताजी कैसे जिम्मेदार थे? हम पहली बार हमारे माँ को छोड़कर 10 दिन के लिए हम बाहर गए हमारे बड़े भाई के साथ, और हमारे माँ को पी लिया हुआ था, उस वजह से हमारे पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा दारू पीते हैं, हमेशा हमारी माँ को मारा करते थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो बीमार होने पर। और हम जब आए तो देखा सब बदल गया था, बर्बाद हो गया था, और हम ये शौक सहन नहीं कर पाए, हम जहर खा लिए। जहर खाने पर 6-7 दिन बाद हम अस्पताल से वापस आए और हमें 1.5-2 महीने के लिए बंद करके रखा गया, क्योंकि हम वापस थे, हम नहीं जीना, हमने कभी सोचा नहीं था हम हमारी माँ के बगैर जिएंगे और हम नहीं रह सकते थे। फिर उसके बाद हमारे पिताजी इलेक्शन लड़ते थे और हार गए वो बुरी तरह से, और उसका फ्रस्ट्रेशन उन्होंने हमारे भाई पे निकाला, बड़े भाई पे। भाभी जी प्रेग्नेंट थी तो उनके सामने मार रहे थे उन्हें, तो वो समय था जब हमारा पूरा गुस्सा बाहर आया, हमने उन्हें बहुत सी गालियाँ दी, बातें सुनाई, और उस समय हम घर से बाहर निकल गए। आप डिश वॉशर भी थे? डिश वॉशर अभी भी है सर, हैदराबाद में। फ्लोर क्लीनर? हाँ। क्यों, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? सर बीएससी डिग्री है, लेकिन यहाँ बीएससी लिखा हुआ, बीएससी डिग्री है, लेकिन हम उतना मतलब जॉब नहीं ढूंढ पाते हम। ये लाइफ आपकी जो आपने बताई, वहाँ से आप यहाँ कैसे पहुँच गए? मुंबई में हम काम कर रहे थे वहाँ। आप तो कहते हैं हैदराबाद में नौकरी है आपकी? 2 महीने से हैदराबाद में, उसके पहले 1 साल बॉम्बे। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले 1 साल मुंबई रहे। क्या कर रहे थे आप वहाँ पर? हम घर छोड़ के गए, हमारे स्टेशन चले गए गुस्से में। वहाँ पे दो ही तरफ ट्रेन जाती है, एक जाती है हैदराबाद, एक जाती है बम्बई। जो ट्रेन आई हम उसमें बैठ गए, वो ट्रेन आ गई बॉम्बे मुंबई, और वहाँ पे हम पहली मुंबई के बारे में बस सुने थे। पहली बार उतरे तो देखा इतनी भीड़ थी कि हमारे यहाँ मेला भी लगता है तो इतने लोग नहीं होते हैं, देखा और सब चकरा गए, पैसे नहीं थे, बैग नहीं, कुछ नहीं था हमारे पास। बहुत रोए हम, माँ की बहुत याद आई, बहुत बहुत रोए हम। स्टेशन पे सोए तो पुलिस वालों ने रट लगा दी, उठो, हकाल दिया हमें, और वहाँ पे फिर मरीन ड्राइव है, वहाँ पे रात गुजारी, सो नहीं पाए, बस बैठे रहे सर पे हाथ रख के रोते समय। 2 दिन ऐसे निकल गए, 3 दिन ऐसे निकल गए। रात में देखा लोग झाड़ू से पूरा रोड साफ करते हैं, तो उनका जो मुकादम होता है, जो हेड होता है, उनको जाके बात किए, और 80 रुपये रोज से हम काम किए वहाँ पे। वो मैं समझ गया। अब मुझे बताओ कि रोडीज में कैसे आया? सर वहाँ पे जब काम करते थे हम तो टीवी देखते थे हम, तो हम पहले टीवी वगैरह हमें इंटरेस्ट नहीं था। पहली बार हमने टीवी देखा और पहले एपिसोड से देख लिया, 7 दिसंबर को आया था ये शो पहला, देखे तो लिंक लग गई उसमें और इंटरेस्ट आने लगा।
और सोचे यार इसमें हम जा सकते हैं, तो अगले साल हम जाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो फिर जिम लगाया, वहाँ पे जिम वगैरह जाना स्टार्ट किया, रोज रेगुलर गए। आपके पास फ़ोन है? ऑन करके दीजिए। ऑन है? कोई कोड वोड तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उतना सब नहीं आता है हमें। पेपर सो नया लिया है और वो भी टूट गया हमसे। 26 तारीख को आए हम यहाँ पे ऑडिशंस के लिए। हम सोचे एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, चले जाएंगे वापस। तो 27 पोस्टपोन हो गया, 27 तो एक दिन स्टेशन पे सो गए। 27 को फ़ोन आया शाम में कि 30 तारीख तक रुकना है, फिर स्टेशन पे ही सो गए पूरे 4 दिन। पैसे उतने हैं नहीं कि ये फ़ोन आपने सिर्फ इसलिए ख़रीदा कि अगर आपको रोडीज़ का कॉल आए? हाँ, इसीलिए ख़रीदा है नया। वैसे आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है, कौन कॉल करेगा हमें? कॉन्टैक्ट्स कितने? अभी तो लिया है सर, 2 दिन पहले हैदराबाद से निकलते समय लिया है वो। एक गिर भी उसके लिए हम पैसे जमा किए थे। गिर भी गया? हाँ, गिर भी गया। वो स्टेशन पे हम सोए ना, जेब में रख के, तो टूट गया, बेंच के ऊपर सोए थे। सूरज, आप जिस मकाम से गुजरे हो ना, बहुत लोग टूट जाते हैं, ज्यादातर लोग। आपने अपने आप को संभाला, बड़ा सही किया। और अभी जो आप दिख रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें लड़कियाँ पसंद है? पसंद है? पसंद है। मौका मिलेगा तो गर्लफ्रेंड बनाओगे? बनाएंगे। और मतलब इंशाल्लाह आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो पैसे भी होंगे, वो घुमाने से तो हम बहुत कमाने वाले सर। कुछ भी हो जाए, रोडीज में नहीं भी रहे तो पैसे हम इतने कमाने वाले हैं कि बस आप पूछो मत। गर्लफ्रेंड जब होगी तो उसको कैसे घुमाओगे, कहाँ लेके जाओगे, क्या क्या करना चाहते हो तुमने गर्लफ्रेंड के साथ? दुनिया हमसे ज्यादा हमारी गर्लफ्रेंड ने देखी होगी, तो हम उन्हें कहेंगे बस खर्चा हम करेंगे, आप घुमा दो जहाँ लेके जाना चाहते हो। पंगा ये कि अगर हमने तेरे को रोडीज में ले लिया, तेरे जिंदगी में तूने कभी जिंदगी ऐसी देखी नहीं होगी जो तू रूडीज में देखेगा। इस किस्म के लड़के लड़कियां, ऐसी बातें, ऐसी जगहें, जो कैमरा के सामने जिंदगी होती है ना, वो एक लत है। इसका जो नशा है ना, ये चाट जाता आदमी को। इसके बाद तू अपनी नौकरी पर वापस नहीं जा सकता, सीधी बात है, तय है ये। मेरे पास रिकॉग्नाइज करेंगे ना, और जब तू झाड़ू मारा हो, वो लोग तेरे ऑटोग्राफ मांग रहे होंगे। उसमें लिखे है सर, हमें फेम वो सब चीजें नहीं चाहिए, ईमानदारी पे हम टिके रहेंगे, उसमें लिखे हैं। हम जो आपको बता रहे हैं वो हमारा एक हम असमंजस में पड़ चुके हैं। हमारे अंदर ये जद्दोजहद चल रही है कि भाई अगर आपको हम ले लें तो हम आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने वाले हैं। थैंक यू सूरज, जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सर एक बार हाथ मिलाना चाहते हैं आपसे। जरूर, फोन ले लो अपना। रघु सर और राजीव सर और रणविजय सर, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। हमें जितना हमने सुना था उनके बारे में, बहुत खूंखार है, खतरनाक है। शायद हम उन्हें पसंद आए तो हमसे तो बहुत अच्छे से बिहेव किए। जितने लोगों से आज तक मिला हूँ मैं रोडीज में, उन सबसे अलग है, सबसे अलग है वन रीजन। इसका पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ पे अलग होगा, इसका रिएक्शन देखना बहुत ही ऑसम होगा। सिलेक्शन नहीं होता है तो उतना ही दर्द होगा जितना अगर किसी गर्लफ्रेंड को आप प्रपोज करो और वो ना कह दे, तो उतना ही दर्द होगा। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। तो ठीक है, अगली बार कोशिश कर लेंगे।